वैन के अंदर ना ऑयल चेंज करना इंजन। गाइस कसम भी खोल तो रहा है, मेरे को तो नहीं लगता खुलेगा। बट गाइस रोमियो कहीं पे भी जाए उन अंकल से उनका पता पूछ के एक ना एक दिन लाइफ के अंदर कभी भी हम रोमियो के पास ना जरूर वापस जाए। उमो बाल उठाने वाला समझ रहा कौन सा है बाल ही नहीं है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। एंड गाइस आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह जल्दी। एंड मामा नाना जी आ भी चुके हैं, नाना जी का वेट कर रहा था बिकॉज आज नाना जी वैन के अंदर ना ऑयल चेंज करना, इंजन ऑयल होता है ना गाइस, हमेशा नाना जी ना घर पे कर लेते हैं। बट अब जो नाना जी कह रहे हैं मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो आपको ना मैं बता दूंगा। अभी नाना जी बताने वाले मेरे को कौन सा नट वगैरह लूज करने हैं, कैसे ओल्ड ऑन है, आज कुछ न्यू सीखेंगे। तो नाना जी भी आ चुके हैं, चलते हैं नाना जी के पास। आ चुका हूँ, नाना जी ने कह रहे थे इसके नीचे का आपको बता देता हूँ गाइज। अभी ना यार कौन सा कहा था, ये वाला कहा था, ये तो खराब भैया था ये गाइज, ये कहा था। एंड आज ना ये नट खोलना है ना, इसके अंदर से ऑयल निकलेगा सारा इंजन का, एंड न्यू डालना है फिर वो भी ना नाना जी आ जाएंगे। नाना जी कह रहे हैं मैं ना एक बार मामा जी के पास जाके आ रहा हूँ दूध वगैरह देने। एंड गाइज ये चेक करो, आज गुंज भी आज किसी को छुट्टी है, किस किसी की छुट्टी है गाइस। ये तो फुल फोन मुझे आज ये सब कह रहे हैं आज को ट्यूशन भी नहीं जाना, ट्यूशन भी नहीं जाना तेरे शाम को आज। आज मैं यहाँ पे पूरे दिन मेरे को परेशान करने वाला है फिर ये। नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? इससे मारूंगा। किसको? आजा नट खोलते हैं इसका नीचे वाला, ऑयल निकालेंगे फिर निकलेगा कहाँ से यार, डब्बे के अंदर निकल जाएगा। नाना जी कह रहे निकल जाएगा, इस डिब्बे के अंदर कैसे निकलेगा यार, मेरे हिसाब से निकल नहीं पाएगा उसके अंदर। इसके अंदर तो न्यू ऑयल है, उसके अंदर निकालना। ये तो कैसे निकलेगा? हाँ सीधा इसके अंदर जाएगा, चला जाएगा। मेरे को तो ओए ओए मत डाल। क्यों? इसके अंदर तेल है थोड़ा। दिखा कौन सा पेट्रोल है? हाँ। पेट्रोल लेके आए थे परसों मामा जी, दिखा कौन सा है? कुछ नहीं है एकदम थोड़ा सा है। ओ यार पूरा ब्लैक हो रहा भाई, हाथ और ब्लैक हो गए यार, मेरे भी पूरे आधे काले काले हो गए, मेरे भी तेरे भी काले काले हो गए। अभी ना थोड़ा और खोलता हूं भाई, ट्राई करता हूं भाई। वाइट था, काला काला हो गया। तो गाइस कसम भी खोल तो रहा है, मेरे को तो नहीं लगता खुलेगा। दो गाइस खुल रहा है, खुल गया, खुल खुल गया। तो गाइस खुल गया, खुल गया गाइस। इसने आज से मारी वो तो नहीं खुल गया गाइस। अब बोल निकले वाला है ना रे, थोड़ा इधर उधर पीछे गाड़ी आ रही है। ऑयल गिरेगा पक्का, हाँ। ऑयल गिरेगा। अब देखो यहाँ से, देखो आप देखते रहो यार, ब्लॉग के तो फोन गंदा हो जाएगा। तू कपड़ ले बने नहीं, ऐसे ही बस ऑयल निकालते रहे। आएगा तो शरीर नहीं इसके अंदर पक्का। मैं कहता हूँ वो सच। थोड़ा रखूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा कुछ। वो ऑयल ही है होगा। आज निकल गया। ओ भाई गर्म बहुत है, हाथ जल गया पूरा। ऑयल निकल रहा है अब भाई, बहुत ज्यादा गर्म आ चल रहा है यार। नाना जी भाई चल गाइस, अभी ना फाइनली जाके ना नाना जी वैन यार निकल चुकी है। बट यार इतना ज्यादा थक चुका हूँ ना, उसके अंदर नीचे घुस के ना पूरे कपड़े वपड़े गंदे हो गए सबसे पहली बात तो। एंड फिर ना वो ऑयल डाल रहा था तो पूरा हाथ है ना न्यू ऑयल डालना गाइस, वो भी ना थोड़ा गिर गया था मेरे से यार आज। वो तो ठीक है यार, मान नाना जी को पता नहीं चला। खून तो ना इतना चुगली खोर हो गया यार ना, मजाक मजाक के अंदर मैंने तो उसको कहा था मैं तेरे को ना यहाँ पे रख लूंगा, किसी मत बताना वगैरह ठीक है। बट चुपके से आगे मामा जी वगैरह पहले चाचा चाचा कृष्ण भैया ने ऑयल डोल दिया थोड़ा सा, यानी तेल डोल दिया, वो तो तेल कहेगा ऑयल होता है वैसे, तेल डोल दिया। बट गाइस फिर डांट तो नहीं पड़ी, नाना जी को नहीं कहा था उसने। बट गाइस ऑयल डूल गया मेरे से वापस। फिर गाइस अभी ना रोमियो को नहला के खड़ा कर दिया आज, इस टाइम पे नहलाया शाम को ना, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है मेरा। बट रोमियो इतना पसीने पसीने से हो रखा ना, एंड इतनी गर्मी है तो मैंने अभी रोमियो को नहला दिया। एंड गाइस दूसरी बात, जो लोग मजदूरी करते हैं ना गाइस, उनके है ना मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे आता है यार, कितने काम करते हैं धूप के अंदर वगैरह वगैरह। बाकी उनमें से कुछ लोग तो कुछ परसेंट तो हैंगे, बाकी गाइस ऐसे ना रात को, अब समझ सकते हो आप, सीधा बताना नहीं चाहता बट ना ऐसे ना रात को ना पड़े रहते हैं रोडों के पास, अब समझ जाओ क्या करते हैं। इतने समझदार गाइस आप हो पक्का है, हो रहा है मेरे को पता है। एंड यानी पैसे कमाते ऐसा नहीं है, मजदूरी नहीं करते, बट वो शाम को ना रोडों पे ऐसे पड़े रहते हैं।
घर वालों की यार, उनको घर वालों को उनकी चिंता, बट उनको ना घर वालों की चिंता ही नहीं है किसी प्रकार की। बट कभी कभी दया आती है, बट कभी कभी ऐसे देखते हो ना तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि पूछो मत यार। अभी जाके आया था मैं एक्चुअली ब्रेड लेने, तो यार मैंने एक्सपीरियंस किया दया सर पहले से आती यार, भूख के देख इतना काम करते हैं ना मजदूर। बट फिर भी ना गाइस कुछ परसेंट तो कहूँगा, बाकी कुछ लोग तो होते हैं ना जो पूछो मत गाइस। गाइज फाइनली आई एम रेडी टू गो, अभी मस्त ना रेडी हो चुका हूँ यार ना के, एंड निकल चुका हूँ गाइज बाइक पे। एंड इतने खतरनाक नहीं अभी सीन हो रहे हैं ना, रोमियो इतने देर अपने पास था ना, तो गाइज लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे खुद को ना इन्हें परेशान कर लेते, मेरे को ऐसा लगता था कि रोमियो ना बहुत परेशान करता, बट अब जो ना रोमियो जाने वाला है ना पता नहीं कहाँ पे जाएगा, बट रोमियो से इतना मतलब प्यार बढ़ने लगा ना रोमियो के साथ यार, इतना टाइम स्पेंड समझो गाइज मतलब फीलिंग समझो एक बार कि रोमियो ना इतना अच्छा लगने लगा है ना। अब कैसे भी हाथ लगा लो मैं उसके, कान के हाथ लगा लू ना, फिर भी वो भी यार बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है अभी मेरे साथ। पता नहीं मैं उसको मारता नहीं हूँ या फिर मैं उसका ना ख्याल रखता हूँ उस कारण, या फिर गाइस जब चीजें होती नहीं है या फिर ऐसा होना कि अब अपने पास कुछ दिन के लिए है, बट तब उसकी ना वैल्यू पता चलती है, लिटरली बता रहा हूँ सच्ची में यार। बहुत ना ऐसा लग रहा है कि अब रोमियो यार कहाँ पे जाएगा, बट गाइस रोमियो कहीं पे भी जाए उन अंकल से उनका पता पूछ के एक ना एक दिन लाइफ के अंदर कभी भी हम रोमियो के पास ना जरूर वापस जाएंगे, जरूर मिलेंगे रोमियो से, पक्का श्योर है गाइस। ये देखो पढ़ाई वाले छोरे एकदम पढ़ाई कर रहे हैं मस्त, इसकी तो एक ही बोली है, इसकी तो एक ही बोली है ठीक है। वो कल वाला क्या था, रेडियो वाला गाइस कभी ना उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा हुआ था कि पहले ना ये तकनीक क्या बोलती इसको, बहुरूपी कब कब ज्यादा मनोरंजन करते थे। हाँ उसे उसे क्या बोलते हैं आभूषण नहीं क्या बोलते हैं उसको, किसको कोई चीज। तो गाइस वो ना पहले मनोरंजन के लिए क्या क्या साधन नहीं थे तो लोग क्या करते थे, तो उसके अंदर ऐसा पूछा था इस कार्तिक जिस लड़के की कॉपी लेके आता था उसने क्या लिखा, पहले ना ये लोग रेडियो से मजा करते थे ऐसा लिखना था, बट उसने ना पहले ये लोग ना रंडियो से मजा करते थे, अरे ऐसे ही ना रंडियो से मजा करते थे। आई डोंट नो आई डोंट बॉय, देखो कैसे एकदम शर्ट वगैरह खोल के पढ़ाई करते हैं गाइस, लोड पड़ता है ना तो पसीने वगैरह आ जाते हैं ना फिर करते रहते। एंड आज सुबह में आपको पता ही है मैकेनिक एक नंबर का कुंज, तेरे को पता है मेरे से नहीं खुला था, इसने खोल दिया था, पापा आ गए, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर। गाइस ढोल की महफिल बैठ चुकी है, अभी कार्तिक बन रहा है पहले ढोलीडा फिर मैं बनूंगा आपका भाई बनेगा गाइस। भाई ये बड़े वाले डंडे लेके आए तो कुछ पहन के था मेरे मारेगा तो मेरे चेपेगा पक्का है। कुंज बताना कौन बढ़िया बता, ठीक है पहले कुंज भाई जज साहब होगा, हम दोनों बताएंगे फिर कुंज ना डिसीजन देगा लाइफ कौन अच्छा बताया। क्या है ये कह रहा मेरे को भी बजाना है यार, पर हम बजाते रहेंगे पहले हम बजाएंगे तो हम बजाएंगे गाइस। कोई भैया आया सामने वाले गाइस, अभी देखो मैं कुंज ना देसी तरीके से कुंज इस साइड से मैं इस साइड से, देखो ज्यादा जोर आवाज कौन निकालेगा कुंज, वन टू वो मेरे को दे, नहीं तो कंघी ले चल मेरे को कंघी दे दे, वन टू थ्री गई यार आवाज नहीं आ रही। कार्तिक और मैं लगे हुए गाइस कुंज के पता नहीं क्या बना रहे, मेरे को खुद को नहीं दिखाई दे रहा क्या लेके आई है, मेरे को कह रहे फेस वॉश है मुंह धो ले इससे, मैं क्या था फेस वॉश मुंह धो ले ठीक रहा मैं तो लगाया नहीं गाइस, ये वो है फेस पैक इस चारकोल वाला, ये सूखने के बाद उतारना पड़ता है वो बाल उतारने वाला समझ रहे कौन सा है बाल ही नहीं है समझे ना आप यार, होते हैं ना जिसमें हाथ पे कोई बाल वगैरह आता है फिर वो एकदम रबर टाइप उतरता है यार, वो लगा रहा था मेरे को कह रहे फेस वॉश है धो ले कुछ नहीं होगा, वो तो ठीक है गाइस मैंने धोया नहीं, अभी नाक भी यार वापस फिर से थोड़े ठीक हो चुके, आज सुबह मैंने ऑयल चेंज किया था ना तो फिर गाइस यहाँ से देखो खूंसियाँ हो गया, मेरे को लगता है ऑयल थोड़े लग गए होगा ना
तो इश्यू हो गया। तो लोग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कुंद मत, कार्तिक मत कर, कार्तिक मत कर, मत कर कार्तिक।